एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या थी विलेज और विलेज में कौन रहते थे पेजेंट्स और पेजेंट्स जो थे वो बहुत सारे सीजनल टास्क करते थे जिस जो पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंप्लीट करते थे पूरे ईयर उनके ये टास्क जो थे वो चलते रहते थे ठीक है सबसे पहले तो सॉइल को टिल करना है उसको यू नो ऊपर नीचे चेंज करते रहना ताकि प्रॉपर एरेशन हो न्यूट्रेंट्स मिक्स हो सके फिर सीड्स को सो करना है सीड्स यू नो बीज बोने हैं ग्राउंड में फिर पूरे मतलब यू you नो know, एक बहुत लंबे समय के लिए क्रॉप की देखभाल करना है टाइम उसको प्रॉपर इरिगेशन मिलता रहे उसमें बीमारी आना लगे या कोई क्रॉप में अगर बीमारी लग भी जाए तो उस क्रॉप को फटाफट रिमूव कर देना है ताकि वो बीमारी बाकी क्रॉप्स तक ना फैले वीड्स का ध्यान रखना पड़ता था उनको एनिमल्स वगैरह से बचाना पड़ता था बहुत सारे काम थे क्रॉप की पूरी देखभाल हो जाए क्रॉप एक बार अपनी स्टेज पे पहुँच जाए फिर उसको हार्वेस्ट करना रहता था जब वो राइप हो जाए और इसके अलावा यू you नो know, वो अपना लेबर और कहाँ पर करते थे कि एग्रो बेस्ड गुड्स के प्रोडक्शन में भी उनका काम होता था कि जैसे यू you नो know, गन्ने की खेती करी तो उससे फिर शुगर बनाना या फिर यू you नो know, जैसे मस्टर्ड uh, सीड्स हो गए या मूँगफली हो गई तो उसका तेल निकालना तो इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके बहुत सारे काम थे जो थ्रू आउट द चलते रहते थे लेकिन रूरल इंडिया में जो था वो सिर्फ प्रेजेंट प्रोडक्शन प्रेजेंट पॉपुलेशन या नहीं रहता था या सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं होता था और बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे यू नो ड्राई लैंड था हिली रीजन्स थे जिनको कल्टिवेट नहीं किया जा सकता था और जो इतने फर्टाइल नहीं थे जितना उसको होना चाहिए था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए तो इस एडिशन में फॉरेस्ट एरियाज़ थे और वो भी बहुत अच्छा खासा हिस्सा थे मतलब पूरी टेरिटरी का एक अच्छा प्रोपोर्शन थे तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात करते हैं गग्रेरियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा गाँव मतलब एग्रीकल्चर ही कर रहा है बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं करा जा सकता था बहुत वेराइटोग्रा टोपोग्राफी थी टोपोग्र अब लुकिंग फॉर सोर्सेज देखिए हम इन सोसाइटी के बारे में रूरल सोसाइटी के बारे में किस तरीके से सेटअप होते थे ये जो है हमें उनसे नहीं पता चलता जो इन लैंड्स के ऊपर काम करते थे क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो इतने लिटरेट नहीं थे पेजेंट्स के हमें अकाउंट्स नहीं मिलते कि यार अच्छा ये किसान था किसान अपनी बायोग्राफी लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है या किसान्स अपने अकाउंट्स के बारे में लिख रहा है कि आज मेरे जीवन में ये हुआ या मेरा ये था नहीं उनसे हमें पता नहीं चलता है एग्रेरियन हिस्ट्री के जो हमारे मेजर सोर्स है जो सिक्सटी सेंचुरी की हमारी हिस्ट्री उसके बारे में हमें अर्ली या सेवन अर्ली सेवेंटीन सेंचुरीज की जो एग्रेरन सोसाइटी है उसके बारे में हमें क्रॉनिकल्स और डॉक्यूमेंट से पता चलता है यू नो मुगल क्रॉनिकल्स हम यू you नो know, आगे पढ़ेंगे एनी ई e. अकबरी वगैरह या बादशाह नामा अकबर नामा ये मुग़ल क्रॉनिकल्स जो वो लिखते थे या जो डॉक्यूमेंट्स मुगल कोर्ट जो है जिसको यू नो कमीशन करते थे उनसे हमें इसके बारे में पता चलता है वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते थे बहुत सारे पर्पज इसके लिए जिनके बारे में ऑफकोर्स हम डिटेल में चैप्टर नंबर थीम नंबर नाइन में पढ़ेंगे तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल थी एन ई अकबरी शॉर्ट में शॉर्ट जो था द एन जो था जो हम सेक्शन एट में भी पढ़ेंगे एन जो था वो यू you नो know, उसको यू uh, नो you know, एनी अकबरी को शॉर्ट में एन आन कहा जाता था और इसको लिखा गया था अकबुल के अकबर अग, के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने तो इस टेक्स्ट का जो था ये टेक्स्ट जो था वो बहुत ही डिटेल में रिकॉर्ड करता था कि स्टेट के और यू you नो know, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के बीच में पॉपुलेशन के बीच में क्या अरेंजमेंट्स करे गए थे ताकि इंश्योर करा जाए कि प्रॉपर कल्टिवेशन हो रहा है किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करा जाता था कौन सी एजेंसीज थी स्टेट किस तरीके से सेटअप कर थी और उनके स्टेट और रूरल मैग्नेट जमींदार और प्रेजेंट्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप को यू नो स्टैब्लिश करा जाता था इन सब के बारे में हमें क्रॉनिकल्स में बहुत ही डिटेल में पता है इनमें से एक एग्जाम्पल एनी अकबरी है जो सेंट्रल पर्पस था एन का वो क्या था कि अकबर के एंपायर का एक ऐसा विजन प्रोड्यूस करना कि जिसमें उसको दिखाया जाए कि सोशल हार्मनी कितनी थी लोग कितने खुश थे और यू you नो know, सभी एक एक, एक प्रॉपर आइडिया ऑफ सोसाइटी को प्रेजेंट करना था आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कोई भी रिवोल्ट था या सर्शन किया जाता था ऑटोनॉमस की अपने मन से पावर के रहे मुगल स्टेट के अगेंस्ट तो यू you नो know, एन के जो ऑथर थे अबुल फजर उनके आइज़ में वो उसको फेल होना ही था मतलब इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता था तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें हमें एन से जो भी पता चलता है वो प्रेजेंट्स के व्यूज से नहीं है ठीक है वो हमें किसके व्यू से पता चलता है जो एक्चुअल में जो रूलर्स थे या जो टॉप के जो एलिट्स थे इनके मतलब जो जो थे ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन का व्यू हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है फॉर्चुनेटली जो एन की अकाउंट है उसको डिस्क्रिप्शन के साथ भी यू नो सप्लीमेंट किया जा सकता है जो कि यू नो अवे फ्रॉम दी मुगल कैपिटल जो हमें सोर्सेज मिलते हैं मतलब जो मुगल कोर्ट्स कमीशन नहीं करते थे उनके सोर्सेज से हमें एंड में जो लिखा गया उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है इसमें क्या क्या हमें मिलता है जैसे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इस एरिया के जो सेवनटीन एटीन सेंचुरी से मिलते हैं इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत रिकॉर्ड्स हमें यहाँ के टाइम से देखने को मिलते हैं तो ये हमें एग्रेरियन रिलेशन के और भी ज़्यादा यूज़फुल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती है और उसकी रियलिटी को मतलब एक तरीके एक हमें नया पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में देखने को मिलता है इन सभी सोर्सेज को साथ में पढ़ना पड़ता है जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सबको पढ़ते हैं कंपेयर करते हैं फिर उसके बाद बहुत ही केयरफुल और मेटिकुलस प्रोसेस के बाद ये यू you नो know, हमें पता चलता है कि अच्छा क्या चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है क्या को एज फैक्ट एक्सेप्ट करना है क्या चीज़ बायस्ड है और हमें इससे बहुत चीज़ें पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत यू नो गुड गुड था या फिर सब कुछ यू नो बिल्कुल ही सोशल हारमोनियस पोजिशन थी ऐसे यू नो बहुत रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें पेजेंट ज़मींदार स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्स हैं तो ये प्रोसेस जो है वो हमें एक तरीके से पेजेंट परसेप्शन ऑफ जो थी यू नो उसके उसमें भी एक इंसाइड देती है कि पेजेंट्स की तरफ से भी क्या मानते थे तो अलग अलग बायस थे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बायस अलग था मुगल स्टेट का बायस अलग था वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो इससे हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलती है कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन थे स्टेट से पेजेंट्स और उनकी जमीन उनके लैंड्स ये जो टर्म है जो जैसे इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुग़ल पीरियड था उसमें पेजेंट को रैयत बोला जाता था जिसको प्लूरल में बोला जाता था, था रिया रियाया या फिर मुजारियन तो मुजारियन एक इंडो पर्शियन टर्म था जिसमें जो यू you नो know, मुग़ल पीरियड में आ, हमें यूज़ करा जाता था पेजेंट्स के लिए इसके एडिशन में हम लोग ऐसे टर्म्स भी यूज़ करते हैं जैसे किसान या फिर आसामी ये टर्म्स भी उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे तो सेवनटीन सेंचुरी के जो सोर्सेज हैं वो दो तरीके के पेजेंट्स को हमें बताते हैं उसके बारे में बताते हैं एक है खुद कश्त और एक है पाही कश्त अब जो खुद कश्त है वो क्या थे वो यू नो गाँव में रहने वाले लोग थे जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन थी तो खुद यानी एक तरीके से इंडिपेंडेंट थे वो उनकी खुद की जमीन उनके पास थी दूसरे जो थे वो थे पाही कश्त पाही कश्त जो थे वो गांव में नहीं रहते थे नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे जो किसी और गांव में रहने वाले थे लेकिन वो दूसरी जगह के गाँव के ज़मीन को यू नो कल्टिवेट करते थे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मतलब लेबर जो था पाही कश्त की जो लेबर थी वो दूसरे गांव से आती थी उनकी खुद की जमीन नहीं थी मतलब वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी और की ज़मीन को कल्टिवेट करते थे उस पर काम करते थे तो लोग जो थे वो पाही कश्त आउट ऑफ चॉइस बनते थे या तो या फिर जैसे कि यू नो जैसे कि जब यू you नो know, दूसरे गाँव में टर्म्स ऑफ रिवेन्यू जो थे वो ज़्यादा फेवरेबल होते थे उस केस में वो दूसरे गांव चले जाते थे काम करने के लिए या फिर आउट ऑफ कंपल्शन या फिर मतलब उनके पास फेमाइन की वजह से उनकी ज़मीन के पास कल्टीवेट उनते पैसे नहीं बचे रिसोर्सेज नहीं पड़े तो यू you नो know, गरीबी के चलते उनको ये सब दूसरे गांव जाके या दूसरे की ज़मीन पे काम करना पड़ता था ठीक है तो ऐसा बहुत कम होता था नॉर्थ इंडिया में कि यू नो सेल्डम डि द एवरेज प्रजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया पजेज मोर देन अ पेयर ऑफ बुल्क्स एंड टू प्लोस मतलब जो एवरेज प्रेजेंट होता था नॉर्थ इंडिया का उसके पास हम देखा तो बस दो बैल होते थे ठीक है एक पेयर ऑफ बुलक्स मतलब दो बैल होते थे एंड दो प्लाउज होते थे ठीक है हल होते थे और मतलब बहुत जो थे इस उनके पास तो इससे भी कम होता था तो गुजरात में जो पेजेंट्स हैं उनके पास छः एकड़ तक ज़मीन होती थी उनको जिनके पास मतलब छः एकड़ ज़मीन होती थी ना गुजरात में उनको बहुत ही यू नो अच्छा खासा एफ्लुएंट माना जाता था और दूसरी तरफ बंगाल में पाँच एकड़ की जिनके पास ज़मीन होती थी ना वो एक एवरेज पेजेंट फार्म की अपर लिमिट मानी जाती थी और टेन एकड़ जो था वो एक रिच पेजेंट बनाता था मतलब आप देख सकते हो डिस्पैरिटी कितनी थी कि गुजरात में छः एकड़ में जिसके पास ज़मीन होती थी वो अच्छा खासा रिच होता था और बंगाल में वही दस एकड़ जो था वो रिच माना जाता था तो कल्टीवेशन जो था वो इंडिविजुअल ओनरशिप के ऊपर बेस्ड था प्रजेंट लैंड्स जो थे वो खरीदे जाते थे बेचे जाते थे उसी तरीके से जैसे बाकी यू नो प्रॉपर्टी ओनर्स के लैंड को ख़रीदा बेचा जाता था तो एग्रीकल्चर लैंड को भी इसी तरीके से ख़रीदा बेचा जाता था ये जो नाइनटीन सेंचुरी डिस्क्रिप्शन हमें पेजेंट्स का मिलता है जो दिल्ली आगरा रीजन में है वो हमें यू you नो know, वो वही चीज़ हम सेवनटीन सेंचुरी में बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं जो नाइनटीन सेंचुरी में मिलता है वही चीज़ हम कह सकते हैं कि सेवनटीन सेंचुरी में भी फॉलो किया जाता था क्या डिस्क्रिप्शन जो कल्टिवेटिंग पेजेंट्स होते हैं जिसको कहा जाता था आसामीज जो आज के टाइम में हम किसान वगैरह यूज़ करते हैं जो कि फील्ड्स को प्लाव करते हैं हर फील्ड की लिमिट को मार्क करते हैं कि अच्छा उनकी ज़मीन इतनी है आइडेंटिफिकेशन के लिए डिमारकेशन के लिए बॉर्डर्स वगैरह करते हैं यू नो मार्क करते हैं ब्रिक से थॉन से और बहुत सारे थाउजेंड्स ऐसे फील्ड्स को हम लोग यू नो विलेज में काउंट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे फील्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं ठीक है ओके इरीगेशन एंड या उसके पहले ये पढ़ लेते हैं प्रजेंस ऑन द मूव ये एक फीचर था एग्रेरियन सोसाइटी का जिसने यू you नो know, बाबर जैसे को मतलब एक न ऑब्जर्वर को स्ट्रक करा है बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक करा है जो सबसे पहले मुगल एम्प्रयर थे जिनको यू नो फोर्सफुली इनफ फॉर हिम टू राइट अबाउट इट इन द नामा तो इतना इनको मतलब उसको स्ट्राइक है बाबर के लिए कि उन्होंने बाबर नामा में इसका मैंशन करा है इसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में के गाँवों में हेमलेट्स मतलब छोटे मोटे गाँवों में विलेजेस में टाउन्स में आर डी पॉपुलेटेड एंड सेटअप इन अ मोमेंट तो इन हिंदुस्तान मतलब वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ख़ासियत है कि गांव वगैरह जब एक मिनट में खाली हो के और यू you नो know, एक मिनट में सेटअप हो जाता है मतलब एक मिनट में यहाँ पे पॉपुलेशन सेटअप हो गई एक मोमेंट में और एक मोमेंट मोमेंट का मतलब ये नहीं कि एक पल में पर मतलब बहुत ही कम फटाफट फटाफट या तो कोई गांव में एकदम से पॉपुलेशन कहीं और चली गई शिफ्ट हो गई वो गांव बिल्कुल खाली हो गया या एकदम से किसी गांव में कोई पॉपुलेशन सेटअप हो गई अगर पीपल एक बड़े अगर यू नो बड़े टाउन के जो लोग हैं वो यू नो जो कि बहुत बहुत ही सालों से एक जगह को इन्हीबिटेट करे वहाँ से वहाँ पर रह रहे हैं वो अगर वहाँ से चले जाते हैं तो वो इस तरीके से चले जाते हैं कि जैसे उनके कभी रिमेंस के कोई ट्रेस ही नहीं बचे जैसे वो कभी यहाँ पर थे भी मतलब एक डेढ़ दिन के अंदर पूरा के पूरा गांव ऐसा वहाँ से गायब हो जाता है लोग वहाँ से जो सालों से रह रहे होते हैं वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे कभी कोई रहता ही नहीं था दूसरी तरफ अगर वो किसी जगह पर अपनी यू नो तय कर लेते कि अच्छा यहाँ पर उन्हें सेटल होना है यहाँ पर उन्हें वो अपनी वहाँ पे यू नो डिसाइड कर लेते हैं तो उन्हें यू you नो know, उन्होंने वाटर कोर्सेज भी मतलब पानी के लिए कैनाल्स तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी क्रॉप्स जो तो है वो सब बारिश के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो इस तरीके से मतलब यू नो इज़ अनलिमिटेड अनलिमिटेड इट सम्स इन तो एंड एज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान इज़ अनलिमिटेड इट्स फॉर्म्स इन मतलब पॉपुलेशन तो अच्छी खासी हिंदुस्तान की है ही सही तो वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो एक टैंक बनाते हैं या फिर एक यू नो कुआ खोद लेंगे उनको हाउसेस या फिर ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती या वॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो ख़ास ग्रास है अबाउंड्स में जो मतलब यहाँ की जो ज़मीन इतनी ख़ास है वुड जो है वो अनलिमिटेड उनके पास है हर्ट्स फ़टाफट बना दिए जाते हैं और यहाँ पर एक मतलब फ़टाफट बना के और ये लो एकदम से एक विलेज या टाउन जो है वो सेटअप हो गया तो वो बता रहे कि किस तेज़ी से कितनी एफिशियंसी से गाँव या तो सेटअप हो जाते थे या लोग उसको छोड़ के चले जाते थे ज पर्टिकुलर टू रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया वो एस्पेक्ट कितनी जल्दी वो लोग शिफ्ट पे रहते थे मूव पे रहते थे सालों से रह रहे होते थे एकदम से चल कई और जगह पर पे, पे जाते थे और उनको रेंज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे और ये पूरा पैराग्राफी का आंसर हमें कह सकते हैं इरीगेशन और टेक्नोलॉजी लैंड जो था वो तो बहुत अबेंडेंस में था ही और लेबर जो थी वो भी अच्छी खासी थी पेजेंट जो थे वो मोबिल मोबाइल थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह यू नो मूव करते रहते थे और तीन फैक्टर्स जो थे जिनका यू नो एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में रोल था पहला था प्राइमरी पर्पस एग्रीकल्चर का क्या था लोगों को खिलाना जैसे कि बेसिक स्टेपल जो थे राइस हो गए वीट हो गए मतलब चावल गेहूँ मिलेट्स बाजरा जो थे वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स थे तो वो एरिया जहाँ पे चा, चालीस इंच या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल आती थी एक साल में वो राइस प्रोड्यूसिंग थे और उससे कम आती थी वो वीट थे उससे कम पानी आता था वो मिलेट्स थे तो बता रहे हैं कि आ, मिलेट्स को सब बहुत आ, मिलेट्स को राइस के कंपैरिजन में बहुत कम बारिश की और पानी की ज़रूरत होती थी तो इस तरीके से उन रीजन को कल्टीवेट किया जाता था यहाँ पर चालीस इंचा उससे होता क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम ये जनरल नॉलेज तो पता ही है कि आ, चावल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए बाजरा जो है मिलेट्स या बाजरा रागी ऐसे जो है उनको उगाने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है तो ड्रायर एरियाज में उनकी उगाई थी वीट के लिए इसके बीच का हमें वाटर इरिगेशन वगैरह चाहिए होता था मॉनसून जो थे वो इंडियन एग्रीकल्चर के बैकबोन थे इरिगेशन के लिए उस पर डिपेंड किया जाता था और वो आज भी है आज भी अगर बारिश अच्छे से ना आए तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है लेकिन ऐसे क्रॉप्स थे जिनको एडिशनल वाटर की ज़रूरत होती थी ऐसे कुछ क्रॉप्स थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है इसको डिवाइज कर देती जाती है कुआ खोदना या फिर कैनाल्स बनाना ऐसे उनको डेवलप करना पड़ता था इरीगेटिंग रीज़न फील्ड्स ये एक एक्सर्प्ट है बाबर नाना बाबर नामा से जो कि इरीगेशन डिवाइस को डिस्क्राइब करता है जो कि हम ने यहाँ पर ऑब्जर्व करे थे हिंदुस्तान का जो मेजोर मेजर पार्ट है वो एक लेवल लैंड पे सिचुएटेड है तो बहुत सारे जो है वो तो टाउन्स हैं और कल्टिवेट लैंड्स हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो रनिंग वाटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं नो इज़ इट नाउ ना नाउ हियर हैज़ रनिंग वाटर्स फॉर वाटर इज़ नॉट एट ऑल अ नेसेसिटी इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स तो क्रॉप्स और ऑर्चर्ड्स के लिए मतलब यू you नो know, ज़रूरी नहीं कि इतना वो हो ऑटम क्रॉप्स जो है वो से वो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है और उससे ही वो मतलब बहुत कुछ ग्रो कर जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि स्प्रिंग में जो क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे स्प्रिंग में भी क्रॉप्स किए जा ग्रो करे जाते हैं यहाँ पर तो कोई बारिश है ही नहीं लेकिन बारिश ना होने के बावजूद यंग ट्री जो है उनमें पानी दिया जाता है या तो बकेट से बाल्टी से या व्हील्स मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट्स करे जाते हैं जिनसे उनको आर्टिफिशियली इरीगेशन मिले मतलब स्प्रिंग जैसे सीजन में जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती तब भी क्रॉप्स को इनको ग्रो किया जाता है लाहौर में दीपालपुर जो कि आज दोनों दोनों यू नो पाकिस्तान में है अदर पार्ट्स में लोग जो है वो व्हील का यूज़ करके पानी को यू नो इरीगेशन करते हैं तो वो दो सर्कल्स बनाते हैं रस्सी के दो सर्कल्स बनाते हैं जो इतने लंबे होते हैं कि वो यू नो वेल की डेप्थ तक पहुंच सके फिर उसको वुड की स्ट्राइप से उसके बीच में वुड की स्ट्राइप लगाई जाती है उसके साथ उसको अटैच करा जाता है और इनके साथ पिक्चर्स को यू नो अटैच करा जाता है जो रोप्स है वुड के साथ उनको पिक्चर्स के साथ अटैच करके यू नो व्हील के ऊपर फिक्स करा जाता है तो एक एंड पे तो व्हील एक्सल होते थे और एक दूसरी व्हील होती थी जो कि फिक्स करी जाती थी जो कि अपराइट एक्सल के पास होती थी ये पूरा एक अरेंजमेंट रहता है जो आखिरी व्हील होती थी वो एक बैल जो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ सेटअप देख सकते हैं वो बैल जो है वो इस व्हील को टर्न करती थी दूसरा व्हील ये सेटअप किया जाता था तीसरा व्हील जो था वो ये सेटअप किया जाता था इस तरीके से तीन व्हील थे और बैल इस व्हील को घुमाता गु, था आगरा चंदवर बयाना जो कि आज तीनों उत्तर प्रदेश में है ये वो पार्ट्स है जहाँ पर लोग जो है वो बकेट की मदद से इरिगेशन करते हैं तो एक वेल के एज पे वेल के एज पे यू नो एक फोक ऑफ सेटअप किया जाता था जिसमें एक रोलर एडजस्ट किया जाता था फोक्स के बीच में उसको रस्सी से बांधा जाता था बड़ी सी बकेट होती थी उसके ऊपर रोप बांधा जाता था रोलर के ऊपर उसको अलग बुलक के साथ बांधा जाता था एक पर्सन जो था वो बुलक को ड्राइव करता था उसमें और बाकी में खाली बकेट इस तरीके से अरेंजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये पर्शियन व्हील का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया सेकंड वेल में ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है कंपेयर द इिगेशन ऑब्जर्व ऑब्जर्वर पावर विद बॉट यू हैव लर्न अबाउट इरीगेशन इन विजयनगर चैप्टर सेवन में आप कंपेयर वेल ईजीली कर सकते हो उसमें कैनाल्स वगैरह थी टैंक कंस्ट्रक्ट किए जाते थे रिजर्वेज कंडक्ट किए जाते थे डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता था विजयनगर में यहाँ पर इरीगेशन का सिस्टम बहुत ही अलग था क्या रिसोर्स लगे होंगे इन सिस्टम्स में पहली बात तो यू नो रोप्स वुड बुलक्स और ऐसी पूरी खोदना करना ये सब क्या सिस्टम है जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट्स को इंश्योर करते थे और ये सेकेंड वाला सिस्टम जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती थी एन प्रोजेक्ट्स होते थे उनको स्टेट का सपोर्ट भी मिलता था जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें जो स्टेट है वो उसने लिया स्टेट का मतलब है कि जो उस टाइम की जो लीडरशिप थी जो एम्प्रर था जो एम्पायर था जो रूलर था उस टाइम के उन्होंने ना नॉर्थन इंडिया में नई कैनाल्स डिक करवाई जिसका नाम है या नाला जिसे कहते हैं और जो जैसे शाह नहर एक नाम है तो जो एक पुरानी नहर थी उसको रिपेयर भी करवाया पंजाब में थी और ये शाहजहाँ के रीजन के रूल के टाइम पर शाह नहर बनी थी तो पंजाब में उसको भी रिपेयर करवाया तो कई जगहों पर इरीगेशनल प्रोजेक्ट्स का, का काम जो वो वो स्टेट भी करवाती थी तो एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव था लेकिन प्रेजेंट्स जो थे वो टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करते थे जो कि यू नो कैटल एनर्जी की तरह जैसे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जैसे कि वुडन प्लो का तो यू नो वुडन प्लो जो थी वो बहुत ही हल्की थी ईजिली मतलब यू नो हो जाती थी कि बस हमें एक लकड़ी का वो चाहिए और एक आयरन टिप चाहिए रहती उसके ऊपर तो यू you नो know, बहुत ज़्यादा मतलब वो डीप फरोज़ या फिर बहुत ज़्यादा डीप खुदाई भी नहीं कर पाती थी जिस वजह से ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर जो है वो प्रिवेंट हो पाता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तब एक ड्रिल थी जिसको यू you नो know, एक ड्रिल को बड़े बड़े दो ऑक्सन यानी बैल जो थे वो पुल करते थे और उसको यूज़ किया जाता था सीड्स को प्लांट करने के लिए बोने के लिए लेकिन ब्रॉडकास्टिंग जो था सीड्स की ब्रॉडकास्ट करना वो ज़्यादा प्रेवरिन रहता था ब्रॉडकास्ट मतलब मुट्ठी में सीड्स और उसको से से फेंक फेंक कर पूरे उसमें फैला देते थे होइंग और वीडिंग जो है वो यूज़ करे जाते थे आयरन ब्लेड और एक विथ यू नो स्मॉल एंड वुडन हैंडल तो साइमल्टेनियसली uh, होइंग और वीडिंग को भी यूज़ किया जाता था तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जो पेजेंस यूज़ करते थे जिससे थोड़ा सा उनका काम जो था वो आसान हो जाता था um, द स्प्रेड ऑफ टोबैको ये प्लांट जो है जो कि सबसे पहले डेकिन में अराइव हुआ ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत जल्दी फैल गया मतलब सेवनटीन सेंचुरी के अर्यरियर ईयर्स में ये फैल गया सेवेंटीन सेंचुरी का मैं आपको बार बार बोलती हूँ प्लीज अब याद रखी गया देखिए हम जब बात करते हैं सेवनटीन सेंचुरी मतलब ईयर सिक्सटीन हंड्रेड एंड सो ऑन एटीन सेंचुरी मतलब ईयर सेवेंटीन हंड्रेड एंड सो ऑन जैसे अभी ईयर चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इट इज़ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो भी हमारा ईयर होता है उसमें हम प्लस वन करके फिर वो सेंचुरी हम लोग यूज़ करते हैं ओके okay. तो जो एन है जो एनी अकबरी है उसमें टबैको का मैंशन नहीं है जो नॉर्दर्न इंडिया में क्रॉप्स उगाए जाते थे उसमें टबैको का मेंशन हमें नहीं, नहीं दिखता है तो अकबर उसके जो नोबल्स थे वो टबैको मतलब सबसे पहले टबैको के बारे में उनको 1604 में पता चला था तो इस समय पर स्मोकिंग टबैको मतलब हुक्का या चिल्लम में स्मोकिंग टबैको जो है ना Uh, uh, मतलब यू you नो know, बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी जहांगीर जो था वो मतलब बहुत ही कंसर्न था इस एडिक्शन के बारे में जहांगीर ने इस चीज़ को बैन करा था कि हुक्का यू नो वो करना या चिल्लम करना वो बैन कर दिया था उसने क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ा और गलत एडिक्शन माना जाता था तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव था क्योंकि सेवनटीन सेंचुरी के एंड तक मतलब ये बैन भले ही जहांगीर ने लगा था लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि सेवनटीन सेंचुरी के एंड तक टबैको जो था वो बहुत बड़ा और बहुत ही मेजर आर्टिकल बन चुका था कंजम्पशन का और कल्टिवेशन का पूरी दूर मतलब कल्टिवेशन कंजम्पशन और ट्रेड का भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा और मेजर आर्ट मतलब बहुत ही मेजर लेवल पे इसका यू नो कंजम्पशन भी होने लगा ट्रेड भी होने लगा और कल्टिवेशन भी होने लगा एंड ऑफ क्रॉप्स एग्रीकल्चर जो था वो दो मेजर सीजन साइकिल्स में आ, अरेंज था इसका मतलब क्या है एक था खारिफ जो कि ऑटम सीजन था और एक था राबी यानी जो कि स्प्रिंग सीजन था ओके okay. इसका मतलब ज़्यादातर जगहों पर यू you नो know, हिली टेरेंस वगैरह को छोड़कर या फिर जो uh, हिली टेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा या एरड था और यू you नो know, इतनी एग्रीकल्चर uh, फेवरिंग जगह जो नहीं थी यहाँ पर मिनिमम दो क्रॉप्स को उगाया जाता था जिसको बोलते थे दो फासला मतलब एक साल में दो क्रॉप्स को उगाया जाता था जहाँ यह, यहाँ तक कि कई जगहों पर जहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा है या इरिगेशन की अच्छा कंटिन्यूस सप्लाई है पानी अच्छी उसमें आ, अवेलेबल है तो वहाँ पर एक साल में तीन क्रॉप्स को भी उगाते थे तो ये इंश्योर करता था कि बहुत पूरी वैरायटी होती थी प्रोड्यूस की मतलब ऐसा नहीं कि बस कुछ चीज़ें मिल रही है वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि एक साल में आप तीन क्रॉप्स उगा रहे हो ठीक है एक एग्जाम्पल के लिए हमें बताए आइन के अकॉर्डिंग से आइन के अकॉर्डिंग जो मुगल प्रोविंसेस थी आगरा की आगरा में अप्रोक्सीमेटली थर्टी नाइन वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कराया जाता था और डेली में फोर्टी थ्री क्रॉप्स प्रोड्यूस करा जाते वैरायटी वेराइटी के दो सीजन्स के मतलब ओवर टू सीजन दो अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते थे और यहाँ तक कि बंगाल तो फिफ्टी वेराइटीज ऑफ राइस अलोन प्रोड्यूस करा था मतलब सिर्फ चावल की अलग अलग फिफ्टी वैराइटीज़ प्रोड्यूस करता था बाकी तो ठीक है बाकी तो वो है पर तो मतलब ये इसका मतलब ये कि क्योंकि बंगाल में यू नो इरीगेशन फैसिलिटी या पानी जो है वो अबंडेंस में अच्छे से मिल जाता है तो इस तरीके से साल में तीन क्रॉप्स भी कभी कभी उगा लेते थे, थे। फिर भी फोकस जो था कल्टीवेशन का यू you नो know, वो बेसिक स्टेपल का स्टेपल का था इसका मतलब ये नहीं था कि एग्रीकल्चर मिडाइव इंडिया में सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए था ऐसा नहीं कि क्योंकि कल्टीवेशन कल्टिवेशन मतलब फोकस कल्टीवेशन का फोकस जो था वो स्टेपल उसके राइस वीट मिल्टस वगैरह जो यू नो मेजर मेजॉिटी लोग खाते थे इसका मतलब ये नहीं था कि एग्रीकल्चर सिर्फ यू नो सब्सिस्टेंस के लिए होता था हमें ऐसे टर्म्स जैसे कि जिन्स ई कामे लिटरली परफेक्ट क्रॉप्स ऐसे टर्म्स जो हमें पढ़ने को मिलते हैं हमारे सोर्सेज में तो जो, जो मुगल स्टेट है वो प्रजेंट्स को एनकरेज करता था कि ऐसे क्रॉप्स को उगाए और जो क्योंकि ये ऐसे क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे कॉटन शुगर केन कॉटन और शुगर केन जो थे वो जिनजी कामिल थे पार एक, पार एक्सीलेंस जिनजी कामिल पार एक्सीलेंस तो कॉटन जो था वो यू you नो know, पूरी टेरिटरी पूरे सबकॉन्टीनेंट में बहुत ही बड़ी अमाउंट में आ, उगाया जाता था और सेंट्रल इंडिया डेकन प्लाट्यो और हर जगह यू नो फेमस था यहाँ तक कि और इनफैक्ट मतलब वेराज बंगाल जो था वो अपनी शुगर के लिए फेमस था तो ये कैश क्रॉप्स थे ये कैश क्रॉप्स जो थे इसमें बहुत सारे ऑयल सीड जाते थे जैसे मस्टर्ड लेंटिल्स यानी दालें आती थी तो ये हमें बताते हैं कि कैसे सब्सिस्टेंस और कमर्शियल दोनों तरीके से दोनों तरीके के क्रॉप्स को उगाया जाता था और कैसे एवरेज प्रेजेंट जो था वो इन दोनों क्रॉप्स क्रॉप्स को इंटरवीन करता था मतलब एक बार सब्सिस्टेंस क्रॉप एक बार जो है वो कमर्शियल क्रॉप इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट आउटकम ऐसे वेराइड और फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ये था कि डेमोग्राफिक ग्रोथ जो थी वो बहुत कम थी ठीक है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था तो बहुत फ्लेक्सिबल बहुत वेराइट था बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती थी लेकिन डेमोग्राफिक ग्रोथ जो थी वो बहुत कम थी तो पीरियोडिक डिसरप्शनस के बावजूद मतलब फेमाइन्स में और एपिडेमिक्स की वजह से बहुत ही डिसरप्शंस होते रहते थे एग्रीकल्चर में लेकिन उस, उसके बावजूद कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और मतलब इकोनॉमिक हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग 50 मिलियन पीपल जे तो जो, थे जो 1600 से 1800 के बीच में यू नो इंक्रीज हुए थे तो मतलब थर्टी थ्री परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी टू हंड्रेड ईयर्स में तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी जैसे मतलब एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पर हुआ इस वजह से पॉपुलेशन की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी आप सोच सकते हैं थर्टी थ्री परसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टू हंड्रेड ईयर्स फिफ्टी मिलियन पीपल हो गए इंक्रीज हो गए सिक्सटीन हंड्रेड से एटीन हंड्रेड के बीच में तो एग्रीकल्चर जितना अच्छा हुआ उतना ही पॉपुलेशन भी अच्छी हुई सेवनटीन सेंचुरी के की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए क्रॉप्स जो है वो मतलब अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे नए क्रॉप्स जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहुंचे जैसे कि मेज यानी मक्का मक्की जो हम खाते हैं फॉर एग्जांपल इसको यू नो अफ्रीका और स्पेन के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था सेवनटीन सेंचुरी तक ये वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया उगाया जा रहा था मतलब मेज जो था वो नेटिव इंडियन क्रॉप नहीं था इसको अफ्रीका या स्पेन के थ्रू इंट्रोड्यूस मतलब स्पेन के कोई यू नो आए थे वहाँ से आए थे मतलब ये एक स्पेनिश या अफ्रीकन क्रॉप के उससे ये इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में लेकिन सेवनटीन सेंचुरी के एंड तक मेजर क्रॉप्स की तरह इसको उगाया जाता था और यू नो टमाटर आलू चिलीज यानी मिर्ची जैसे जो वेजिटेबल्स थी ये न्यू वर्ल्ड उस टाइम के जो न्यू वर्ल्ड थी मतलब कि उन्होंने जो और भी बाकी सब कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ से इंट्रोड्यूस कराया गया था और ऐसे ही फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल और पपाया पपीता पाइनएप्पल ऐसे ये फ्रूट्स जो है ये भी इंडियन नेटिव इंडियन ओरिजिन के नहीं थे